अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर कमर अब्बास और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए लोगो एंड सेवन टाइप ऑफ लोगो। जी हाँ, आप लोगों में से कई ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि लोगो क्या है, आप लोग में से कई ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि लोगो आखिर होता क्या है। हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको लगता होगा कि शायद उन्हें पता है कि लोगो क्या है बट वो असल में लोगो नहीं होता। जी हाँ, लोगो बेसिकली फेस होता है किसी भी ब्रांड का। हम जब लोगो देखते हैं तो लोगो देखने के बाद हमें उस पर्टिकुलर एक ब्रांड की आइडेंटिटी मालूम हो जाती है कि जी हाँ, ये लोगो इस ब्रांड का है। हमने लोगो देखा तो इसका मतलब कि जी हाँ, हमने ये ब्रांड देखा। आप जब सुबह को उठते हैं तो उठने से लेकर सोने तक आप बेतहाशा लोगोज से इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। उठने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना सेलफोन वो उठाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं लोगो, सैमसंग, एप्पल, हुआई, एक्स वाई जेड, कुछ भी लोगो। उसके बाद हम टूथब्रश करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारा टूथपेस्ट इज़ अ ब्रांड और टूथपेस्ट इज़ अ लोगो। तो उठने से लेकर सोने तक हम बेतहाशा लोगोज जो हैं उनसे इंटरेक्ट कर चुके होते हैं। लोगो जो हैं वो हमारी लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम जब भी किसी लोगो को देखते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो याद आ जाता है। हम किसी भी ब्रांड के लोगो को देखते हैं तो हमें ये स्पेसिफाई हो जाता है, हमें उस ब्रांड की शनाख्त हो जाती है उसके लोगो को देख के। अच्छा, लोगो जो है वो कोई आज की या कल की चीज़ नहीं है, लोगो एक बहुत ही कदीमी चीज़ है जो कि अभी तक चलती हुई आ रही है। कैसे, वो दौर देखें जब इंसान ज़ात जो है वो लिटरेट नहीं हुआ करती थी और ना ही उनके पास जो है वो ग्राफिक्स हुआ करते थे और ना ही इंसानों के पास कोई लोगो या फिर कोई डिज़ाइन जैसी कुछ चीज़ें हुआ करती थी। तब भी इंसान क्या करते थे, जो उनके पास एनिमल्स होते थे उनके, तो उनको स्पेसिफाई करवाने के लिए वो एक आयरन वाली चीज़ लेते थे। ठीक है, तो आयरन से आयरन को गर्म करके वो अपने जानवरों के ऊपर एक स्टैम्प या फिर एक सिंबॉलिक चीज़ जो है वो लगा दिया करते थे कि हमें स्पेसिफाई हो जाए कि ये चीज़ मेरी है या फिर ये चीज़ मेरी नहीं। अच्छा, रिटन वर्ड जो है या फिर रिटन लैंग्वेज जो है वो हम इतना कैच नहीं कर सकते जितना हम एक सिंबॉलिक लैंग्वेज या फिर एक सिंबॉलिक चीज़ को हम कैच करते हैं। कैसे कि जब हम पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि मेल के स्पेसिफाइड अलग होते हैं और फीमेल के स्पेसिफाइड जो है वो अलग होते हैं। तो वहाँ पे एक आइकन लगा हुआ होता है जिसमें से हमें पता चलता है कि मेल टॉयलेट कौन सा है या फिर फीमेल टॉयलेट कौन सा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लोगो जो है वो जस्ट एक आइकन ही है, मेल और फीमेल जो है ये तो खैर एक आइकन ही है, पर मेरे कहने का मकसद ये है कि सिंबल जो हैं, जिस तरह की ये हमारी एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, तो सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करती है और लोगो जो है वो एग्जैक्टली एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। तो अब आ जाते हैं सेवन टाइप ऑफ लोगोस पे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लोगोस के सेवन टाइप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और कौन सा टाइप जो है वो कहाँ पर यूज़ होता है और कौन सा टाइप कहाँ पर यूज़ नहीं होता। तो हमारा सबसे पहला टाइप जो आता है वो है हमारा एम्बलम्स। जी हाँ, एम्बलम्स जो है वो बहुत ही पुराना, बहुत ही कदीमी और बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप है जो बहुत ही काफ़ी अरसे से लेकर अब तक चलता हुआ आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हार्ली डेविडसन, एप्पल और स्टारबक्स, इनके पुराने लोगो जो हैं वो सारे एम्बलम टाइप जो है उस पर बेस्ड हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें होता ये है कि आपकी टेक्स्ट जो है वो आपकी इमेजिनरी से बाहर नहीं निकलती और आपकी इमेजिनरी जो है वो टेक्स्ट से बाहर नहीं निकलती। तो कहने का मतलब ये कि आपकी इमेजिनरी या फिर आपका टेक्स्ट जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ इनक्लोज्ड होते हैं, इस तरह के वो दोनों एक दूसरे को छोड़ के बाहर नहीं निकलते। और रही बात कि ये लोगोज़ जो हैं वो हम कब यूज़ करते हैं, याद रहे कि ये लोगोज़ जो हैं वो तभी यूज़ होते हैं जब एक कंपनी जो है वो या तो बहुत ही पुरानी हो या फिर एक कंपनी को अपनी ट्रेडिशन या फिर अपना कल्चर जो है वो शो करवाना। और दूसरी बात कि ये लोगोज़ आपको कब यूज़ नहीं करने, तो याद रहे
ये लोगोज आपको तब यूज नहीं करने हैं जब आपको ये लोगो जो है वो आपको किसी वेबसाइट पे या फिर किसी वेबसाइट के आइकन पे यूज होना हो, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि वेबसाइट का आइकन जो है वो बहुत ही छोटा होता है या फिर बहुत ही पतला होता है। तो अगर हम ये वाला लोगो जो है वो वहाँ पे यूज़ करेंगे तो बेसिकली ये होगा कि हमारी जो डिटेल्स हैं वो हमारी क्लियरली शो नहीं होंगी। और हमारा दूसरा टाइप है लोगो टाइप या फिर वर्ड मार्क। जी हाँ, ये अक्सर तब यूज़ होते हैं जब आपको आपकी कंपनी का या फिर आपके बिजनेस का, आपके ब्रांड का नाम जो है वो मशहूर करना होता है। कैसे, मैं एग्जांपल देता चलूँ, कोका कोला, वीज़ा, गूगल, ये सारे वो ब्रांड्स हैं या फिर वो कंपनीज हैं जिन्होंने अपना नाम जो है उसको मशहूर किया है। जब आपको अपना नाम जो है उसको मशहूर करना होता है तब आप ये टाइप जो है वो यूज़ करते हैं लोगों का। अच्छा, याद रहे कि ये आपको कब यूज़ नहीं करना। तो ये टाइप जो है वो आपको तब यूज़ नहीं करना जब आपकी कंपनी का नाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इससे क्या होगा कि वो मतलब स्पेसिफाई नहीं हो सकेगा इन पर्टिकुलर वर्ड्स। अगर आपका 5 से 6 वर्ड्स पर अगर मुस्तमिल है तो आप जो है वो वर्ड मार्क का यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक और हमारा रनिंग एग्जांपल है अरमानी। जी हाँ, ये एक क्लोथिंग ब्रांड है जिसने अपना नाम जो है उसको मशहूर किया है। तो जब हम कोका कोला, गूगल, वीज़ा या फिर अरमानी का नाम सुनते हैं तो हमें याद आ जाता है कि जी हाँ, ये ब्रांड है जिसकी बात हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना होता है ये वाला लोगो टाइप बनाने में, वो ये कि आपका फॉन्ट्स जो है, जो फॉन्ट्स आप उसमें यूज़ कर रहे हैं वो फॉन्ट्स जो है वो यूनिक होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपको वो लोगो जो है वो टोटली लेटर पे बेस्ड होता है। तो कोशिश करें कि अच्छे फॉन्ट्स लाएँ और यूनिक फॉन्ट्स लाएँ। और हमारा थर्ड टाइप जो है वो है मोनोग्राम या फिर लेटर मार्क। जी हाँ, इसमें जो है जैसे कि वर्ड लेटर है तो एक बहुत ही बड़ा नाम होता है किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी ब्रांड का, तो उस बड़े नाम में से कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं वो चूज़ किए जाते हैं, जैसे HBO। जी हाँ, होम बॉक्स ऑफिस। इसको अगर हम होम बॉक्स ऑफिस के नाम से जाने तो इसको शायद कोई नहीं जानता, मगर जब हम HBO कहेंगे तो फिर आपको याद आ जाएगा कि मैं किस ब्रांड की या फिर किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। और दूसरा एग्जांपल, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जानते हैं इसको, नहीं जानते? तो जी हाँ, ये है हमारा नासा। तो हमने जब उसका एक कंप्लीट नाम सुना तो हम पहचान नहीं पाए कि वो ब्रांड कौन सा है, पर हाँ जो स्पेसिफिक वर्ड्स जो यूज़ हुए हैं लोगों में जब वो हमारे सामने आए तो फिर हम पहचान गए कि जी हाँ, ये स्पेसिफिकली इस लोगो या फिर इस कंपनी की बात हो रही है। अच्छा, तो अब कभी ये नाम यूज़ नहीं करना या फिर कभी ये लोगो टाइप हमें यूज़ नहीं करना। तो याद रखें, ये लोगो टाइप जो है हम वो तब यूज़ नहीं करते जब आपकी कंपनी या फिर आपका ब्रांड जो है वो टोटली एक न्यू ब्रांड है। अगर आपका न्यू ब्रांड होगा तो आपको उसका नाम जो है वो मशहूर कराना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि जब तक आप उसका एक कंप्लीट नाम जो है उसको मशहूर नहीं करा सकते तो आपके वो एब्रिविएटिव वर्ड्स जो हैं उनको कोई नहीं पहचान पाएगा। उसके बाद हमारा फोर्थ टाइप है ब्रांड मार्क या फिर पिक्टोरियल मार्क। जैसे कि वर्ड पिक्टोरियल है तो ये वाला लोगो जो है ये हमारा टोटली एक सिंपल पिक्चर पर बेस्ड होता है, कि एक पिक्चर होती है जिसको देख के हम समझ जाते हैं कि जी हाँ, ये ब्रांड है। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइकी, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल। जी हाँ, ये वो ब्रांड्स हैं जिनका लोगो जो है वो देखकर हम समझ जाते हैं कि ये किस ब्रांड की बात हो रही है। अच्छा, ये वाला लोगो टाइप जो है वो कोई भी न्यू ब्रांड जो है वो कभी यूज़ नहीं करेगा। उसका एक मेन रीज़न है वो ये है कि स्पेसिफिकली एक पिक्चर से किसी भी ब्रांड की तब तक पहचान नहीं होती जब तक वो ब्रांड जो है वो मशहूर ना हुआ हो। कैसे, एप्पल। तो एप्पल ने जो है पहले अपना नाम दिया या फिर उसके साथ एक एप्पल का लोगो दिया था, आपको याद होगा, कि जिससे देख के पता चल सके कि जी हाँ, ये एप्पल है और साइड में एप्पल का आइकन या फिर एप्पल की एक पिक्चराइज इमेज जो है वो दी गई थी। सेम नाइकी,
तो नाइकी जो है एक टिक टाइप जो है वो साइन होता है नाइकी का, तो उनका पिछला जो लोगो था उसमें ऊपर लिखा भी हुआ था NIKE नाइकी। तो उन्होंने इसको फिर रीमॉडिफाई किया, रीडिज़ाइन किया, तब रीडिज़ाइन किया जब उनका ब्रांड जो था या फिर उनकी कंपनी जो थी वो मशहूर हो चुकी थी। तो आज जब हम एप्पल का लोगो देखते हैं या फिर एप्पल की साइन देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये एप्पल का लोगो है। उसके बाद हमारा आता है नंबर 5, जहाँ एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क। ये वाला टाइप जो है वो बेसिकली पिक्टोरियल जैसा ही होता है पर लिटरली वो पिक्टोरियल नहीं होता। किस तरह? वो एक इमेजिनरी ही होती है पर पर्टिकुलर वो एक कंप्लीट इमेजिनरी नहीं होती, या फिर कंप्लीटली एक पिक्चर या फिर कम्प्लीटली एक जो इमेजिनरी है वो शो नहीं कराई जाती। फॉर एग्जाम्पल हमारा पेप्सी, जी हाँ पेप्सी या फिर डव, तो ये जो चीज़ें हैं इनके लोगों जब आप देखते हैं तो देख के हम मतलब स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि लग तो रहा है कि ये एक पिक्टोरियल बेस्ड लोगो है, पर जब हम मतलब इसको करीब से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कम्प्लीटली एक पिक्चर नहीं है, या फिर कम्प्लीटली हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये इस चीज़ की पिक्चर है या फिर इस चीज़ की इमेज है। तो फॉर एग्जांपल नाइकी, नाइकी भी हमारा आता है कि जिसको देख के हमें मतलब फीलिंग्स जो हैं वो आती हैं। जैसे नाइकी का लोगो जब आप देखते हैं तो उस लोगो को देखने के बाद आपको मतलब एक फील आती है लाइटनिंग की, स्पीड की, या XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये वाला टायर जो है वो बहुत ही कामयाब जो है वो जा रहा है मतलब आजकल। और मेन जो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इस लोगो के बारे में वो ये है कि ये जो है लोगो टाइप वो कम्प्लीटली यूनिक लोगो टाइप्स होते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल पेप्सी हो गया, नाइकी हो गया, तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, कोई बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता कि पेप्सी जो है वो एक कंप्लीट बॉल तो नहीं है पर बॉल जैसी कुछ चीज़ है। उसके बाद आता है नंबर 6, मस्कट। जी हाँ, ये जो है एक वो पर्टिकुलरली लोगो तो नहीं है पर ये करेक्टर होता है जो कि यूज़ होता है किसी भी ब्रांड की शनाख्त करने में। फॉर एग्जांपल KFC, तो जो KFC का फाउंडर है उसकी खुद की ही पिक्चर जो है वो लोगो में है, वो लोगो में यूज़ की गई है। उसके बाद दूसरा आता है मैकडोनल्ड। जी हाँ, मैकडोनल्ड का आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो करेक्टर अक्सर यूज़ होता है बाहर पार्क की तरफ या फिर मैकडोनल्ड के अंदर, वो मेन मकसद उसका यही होता है कि वो इंटरटेन करे किसको, जो फैमिलीज आई हुई हैं उनको और जो बच्चे हैं जो चिल्ड्रेंस हैं उनको। तो ये कम्प्लीटली लोगो तो नहीं है जैसे कि हमारा KFC का था पर ये एक करेक्टर ज़रूर है जो कि इस फॉर्म में या फिर इस लोगो के टाइप में बिल्कुल आता है। इसका जो मेन मकसद है देने का वो यही है कि जो सीरियस फैक्टर्स हैं उनको फन फैक्टर्स में कन्वर्ट करें। उसके बाद है हमारा नंबर 7 एंड फाइनल वन, कॉम्बिनेशन मार्क। जी हाँ, ये कॉम्बिनेशन मार्क जो है ये वो लोगो होते हैं जिनमें जो सारे 6 टाइप हैं उनको मिलाकर ये कॉम्बिनेशन मार्क टाइप लोगो बनता है। कैसे? वो इस तरह के इस कॉम्बिनेशन मार्क में आपकी एक टोटली यूनिक और टोटली आपकी स्ट्रेटेजिक माइंड जो है वो इसमें यूज़ होता है। तो इस लोगो टाइप का एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने मैं देता चलूँ। कि पहला एग्जाम्पल है हमारा बर्गर किंग। जी हाँ, इसका लोगो जो है अगर आप इसके लोगो को देखेंगे तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट और लेटर मार्क और फिर जो पिक्टोरियल मार्क है वो चीज़ें हमारे इस लोगो में यूज़ की गई हैं। उसके बाद हमारा सेकंड एग्जांपल जो है वो आता है हमारा अदिदास। जी हाँ, अदिदास का लोगो जो है उसमें भी हमें यही चीज़ें देखने में मिल रही हैं कि उसमें भी अदिदास वर्ड मार्क जो है वो यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद हमारा पिक्टोरियल या फिर एब्स्ट्रैक्ट का लोगो जो है वो भी इसमें हमारा यूज़ किया हुआ है। तो ये थे हमारे आज के 7 टाइप ऑफ लोगोस। तो होप सो आपको ये हर एक टाइप जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर उसके बाद भी आपको कुछ कंफ्यूजन है किसी भी टाइप के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वक्तन फवक्तन आगे चल के इस सारे लोगो टाइप जो है वो आपको प्रैक्टिकली बनाना सिखाऊंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर ही ख़त्म करते हैं हम, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।